प्रदेश का करेंगे। हिमाचल के धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज इस सत्र में नए स्पीकर कुलदीप पठानिया ने शपथ ली और तमाम विधायकों का धन्यवाद किया है। नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप पठानिया 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार निर्दलीय विधायक और 3 बार कांग्रेस की ओर से ये विधायक रहे हैं। 26 साल की उम्र में 1985 में पहली बार कुलदीप पठानिया विधानसभा पहुंचे थे और कुलदीप पठानिया ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भी याद किया। इसके अलावा सदन में आज कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने संबोधन के दौरान तपोवन स्थित विधानसभा परिसर का इस्तेमाल साल भर करने की मांग उठाई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये भवन करोड़ों की लागत से बनाया गया है और इसका अच्छी तरह से भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसी दौरान आज सदन में एक बार फिर कैबिनेट गठन के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक लखनपाल ने इस मुद्दे को लेकर पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की और जयराम ठाकुर समेत पूरी बीजेपी पर निशाना साधा है। जी, पहली बात तो ये है कि कल हमने नेता विपक्ष जो है जयराम ठाकुर, उनके काफी आक्रामक तेवर देखे, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल तो मेरा यही होगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जयराम जी को कि थोड़ा सब्र करें। नहीं, वो तो कुलदीप जी भी कह रहे थे कि सबर करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन 25 दिन में जब कैबिनेट का गठन तक नहीं होता है तो जनता तो सवाल पूछेगी, और जनता हमसे पूछ रही है कि हम क्यों नहीं पूछ रहे। जनता का कैबिनेट से लेना देना कुछ नहीं है। हाँ? जनता ने सरकार बनाने के लिए मैंडेट दे दिया है। हाँ? और सरकार बन गई है और सरकार काम कर रही है जी। और जो पूर्व सरकार के समय में गलत निर्णय लिए गए थे उनके ऊपर जो है निर्णय लिया, जैसे कि गलत निर्णय के एक आध हमारे साथ भी शेयर करें। अभी देखिए आप, जो एक सबसे बड़ा घोटाला जो सामने आया स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हमीरपुर के अंदर, और उस बोर्ड को ही भंग कर दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वो उनका एक बहुत बड़ा निर्णय है। क्योंकि युवाओं के साथ जो उनकी नौकरियों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता पैसे लेकर, वो अपने आप में एक शर्मनाक विषय था हिमाचल प्रदेश के लिए, और ये ऐसा ना जाने कब से होता होगा। और आते ही मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान लिया और उस बोर्ड को भंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। दूसरे जो एक आनन फानन में चुनाव के समय में, चुनाव से पहले 6 महीने पहले सरकार ने, पूर्व सरकार ने बहुत सारे कार्यालय खोल दिए बिना बजट का प्रावधान हुए ना, तो वो सारे बंद कर दिए माननीय मुख्यमंत्री। इसी पर जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि कितने युवाओं को बेरोजगार कर दिया सरकार ने आते ही। उसमें युवा कौन से बेरोजगार हुए? नौकरियां तो किसी को मिली नहीं। अच्छा। उसमें नौकरियों से तो कोई लगाया नहीं उन्होंने। अच्छा। उन्होंने तो जहाँ पर ऑलरेडी स्टाफ था वहाँ से आनन फानन में शिफ्ट कर दिए लोग। अच्छा। कोई वहाँ नौकरियां थोड़ी नहीं मिली लोगों को नौकरियां। यही तो हमारा कहना है कि पहले स्टाफ भर्ती करते, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते, फिर आप कार्यालय खोलते, फिर तो बात समझ में आती है। और उनको मलाल तो इस बात का है कि हमने इतने कार्यालय खोल दिए उसके बावजूद उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। अगर उन कार्यालयों को खोलने का भारतीय जनता पार्टी को या जनता को कोई फायदा हुआ होता तो शायद वो सत्ता में बैठते। नहीं, वो तो कल जब जयराम ठाकुर पीटीसी न्यूज के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी मुगालते में न रहे, क्योंकि बड़े बहुत कम डिफरेंस के साथ वो सरकार उन्होंने बनाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको एकदम से बहुत बड़ा बहुमत मिल गया और उसको लेके वो बहुत ज्यादा अति आत्म, जो उनकी वर्डिंग से वो मैं, वो उनकी वर्डिंग से हमें क्या लेना देना है? वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? 40 लोग जीत कर आए हैं और 3 लोग जो है वो इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, वो भी हमारे साथ संपर्क में है। दूसरे अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो बचकाने वाली बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस विधायक लखनपाल, जिन्होंने जयराम ठाकुर के लगाए तमाम आरोपों पर खुलकर जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं क्योंकि उनके हर आरोपों का हम इसी सदन में जवाब देंगे। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।